लोग वो महान नहीं होते जो अपने ही इतिहास को, अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। लोग वो महान होते हैं जो अपने धर्म को अपनी जान पर खेल कर भी उसको आगे ले जाकर को, वो चाहती तो चुप रह जाती, जैसे कई लोग रह जाते हैं, कोई किसी की बुराई करे, धर्म की बुराई करे, उल्टा सीधा, हम लोग बड़े हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप में कैपेसिटी ही नहीं कुछ अच्छा करने की, आप अच्छा करना चाहते ही नहीं है। वो भी चुप रह जाती, लेकिन वो चुप नहीं रही, उसने उसको आगे बढ़ाया। और एक और बात बता दूं मेरे प्यारे हो, ध्यान से सुनना, मैंने किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धर्म पर जोक बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन निकृष्ट वो हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो कि है नहीं, जो सिर्फ कहते हैं, वो लोग हमारे ही धर्म पर कभी राम पर, कभी हनुमान पर, कभी कृष्ण पर, कभी सुदामा पर, कभी इस पर तमाम जोक बनाकर एक दूसरे को शेयर करते हैं और फिर लाइक भी कर देते हैं। धिक्कार है, डूब मरना चाहिए, तुम्हारी मां के उस दूध को लज्जा आनी चाहिए जैसे तुम जैसे नालायकों को उस दूध को पिलाकर बड़ा किया और धर्म को अपमानित करने का तुम जैसे मूर्खों को मौका दिया। बुरा लगे तो कल से कथा में मत आना, आई डोंट केयर, मेरे से नफरत करने वाले बहुत हो गए, सो आई डोंट केयर, लेकिन मैं धर्म की बात करूंगा और करूंगा क्योंकि मुझे भगवान ने यही जिम्मेदारी दी है। मैं आपकी बटरिंग करने नहीं बैठा हूं यहां पे। बताइए कभी मुसलमान भाई अपने धर्म की बुराई करते हैं क्या? क्रिश्चियन भाई कभी अपने धर्म का मजाक करते हैं क्या? तुम में आग कैसे लग गई फिर? तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारा हिंदू कहां सो गया है? व्हाट्सएप पे लाइक करते हो, सुनते हो, लाइक करते हो, सुनते हो और फिर शेयर भी करते हो। अगर मेरे हाथ में कानून हो ना, धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। तुम एक काम तो कर सकते हो, जब तुम अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने धर्म को बुरा तो मत करो, अपने धर्म पर जोक बनाते हो। मैंने सिख भाइयों को देखा है अपने धर्म के लिए, कुछ लोग अभी पंजाब में मैंने देखा वो भारत माता की, भारत माता मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। दो सिख भाइयों ने तलवार निकाल कर और इतने बड़े जमावड़े को बैंड बजा दी और भागने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ दो सिख भाइयों ने। और हम और आप होते तो, हम और आप होते तो हम फोटो खींच के कहते देखो ये हो रहा है, तूने क्या किया था वहां, उन दोनों ने किया वहां। हम ये नहीं कहते किसी को परेशान करो, लेकिन कोई मेरे धर्म और देश को नीचा दिखाए तो तेरी आत्मा को जगना चाहिए और उस समय तुझे भगत सिंह बन जाना चाहिए, उस समय तुझे सुभाष चंद्र बोस बन जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे अपना रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुमसे ब्लड नहीं मांग रहा हूं, एक सहयोग मांग रहा हूं। आज के बाद अगर कोई धर्म की निंदा करे तुम्हारे फोन पे, तुम्हारे फेसबुक पे और तुम्हारे व्हाट्सएप पे, कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म से संबंधित बुराइयां करता हो, अगर तुम अपने एक क्षण भी, एक सेकंड के लिए भी अपने आप को सच्चा हिंदू मानते हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक कर दो और ऐसे व्यक्ति से कभी बात मत करना अगर तुम अपनी मां के दूध की इतनी भी परवाह है तो।